हाय फ्रेंड, नमस्ते। सुनीता उल वर्ल्ड में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये बहुत खूबसूरत सा थालपोस या आप डाली ढकने वाले कवर बोलो या टेबल कवर बोलो, आप जो बोल सकते हो, ये मल्टीपर्पज़ आप यूज कर सकते हो इसे। तो ये मैंने थीम रखा है, अब क्योंकि मैं झारखंड की हूँ तो झारखंड में करमा और जितिया पर्व आता है जो डाली वगैरह ढकने के लिए होता है। तो देखिए, ये मैं डाली ढकने के लिए एक कवर तैयार किया है। इसे आप थाली में ढकोगे तो ये थालपोस हो जाएगा। तो इस तरह से ये तैयार होगा और ये बहुत ही खूबसूरत सा देखिए उभर के आया है। इसे मैंने तीन, ये देखिए यहाँ पे चार कलर से मैंने तैयार किया है इसे, और ये बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। ये देखिए, इसकी फ्लावर तो उभर के आ रही है, इतनी खूबसूरत सी ब्यूटीफुल। ये देखिए, मैं डाली ढक के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से हम लोग डाली को ढकते हैं और इसे, ये देखिए पूरा देखिए इस तरह से कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। और इसे हम लोग ऐसे उठा के चलते हैं और ये देखिए इस तरह से हम लोग डाली वगैरह ढकने के लिए करमा जितिया वगैरह में आप इसे इस तरह से ढक के आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से ये डाली है, इसे मैं आपको ढक के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये दिखता है और ये बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। आप थाली में अगर इसे ढक के ले जाओगे तो ये थालपोस हो गया आपका। तो इस तरह से मैं आपको ढक के भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए, टेबल में आप इस तरह से रखोगे तो टेबल कवर हो जाता है। मल्टीपर्पज़ आप इसे यूज कर सकते हो फ्रेंड आप। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। और ये फ्लावर जो बीच में मैंने बनाया है, ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हो। ये देखिए, इस बार वीडियो मैं बहुत लेट्स में पोस्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी को। अगर आपको मेरी थालपोस की डिज़ाइन और ये सब अच्छी लगती है, कवर तोरण वगैरह, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें फ्रेंड। यही मैं बोलना चाहती हूँ आप सभी से। अब मैं आपको कैसे इसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको। तो चलिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे चार कलर का ऊन लिया है, सफ़ेद, ग्रीन, ऑरेंज और रेड है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने चार ऊन लिया है। और ये डबल, ये जो क्रोशे लिया है मैंने, नीडल्स, क्रोशे वाला नीडल्स मैंने लिया है, ये 4 नंबर का है, दिख भी रहा होगा आपको, और एक 6 नंबर का है। ये दो नीडल्स मैंने इसलिए लिया है क्रोचेट वाला, क्योंकि कोई कोई ऊन आपकी मोटी आती है, कोई कोई पतली होती है, ठीक है। 3 प्लाई के ऊन से आप करोगे तो वो करना है, 4 प्लाई के ऊन से करना है तो 6 नंबर का आपको यूज करना है। इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो देखिए मैं इसे तैयार कैसे करूँगी मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं ये पार्ट बनाऊँगी और ये पार्ट कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। तो एक एक करके मैं आपको बताते जाऊँगी। ये देखिए, ये वाला मैं बनाऊँगी, आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। तो मैं देखिए ये 4 नंबर की नीडल मैंने लिया है। अब इसे मैं इस तरह से राउंड राउंड घुमा के फिंगर में, अभी जो मैं यहाँ पे नोट लगा लूँगी इस तरह से। एक नोट लगाने के बाद आपको यहाँ पे 6 चेन बनाना है। सॉरी, मैंने 4 चेन बनाया है। 4 चेन बनाने के बाद इसे आपको स्लिप स्टिच करते हुए एक रिंग तैयार कर देना है इस तरह से। फिर इसके बाद आपको 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद आपको यहाँ से 22 डबल क्रोशे निकालना है, क्योंकि एक तो चेन को मिला के आपका 23 होता है, तो यहाँ से आपको 22 निकालना होगा। इस तरह से टोटल आपका 23 डबल क्रोशे होगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में 23 आपका डबल क्रोशे होगा टोटल काउंट करके। तो इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये मेरा देखिए कंप्लीट हो रहा है, टोटल आपका 23 है डबल क्रोशे, चेन को मिला के 23 हो जाता है। अब इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो मैं बताऊंगी आपको। ये मेरा सारा हो चुका है, अब मैं इसे ज्वाइंट करके दिखाती हूँ आपको। ये जो चेन मैंने बनाया था 3 चेन, तो सबसे ऊपर वाला चेन में आपको इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से।
ज्वाइंट करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री चेन बनाना है। थ्री चेन आप जहाँ से बनाए हो वहाँ से आपको एक डबल क्रोशे भी निकालना है, फिर उसके बगल से आपको वन डबल क्रोशे निकालना है, एक लूप के अंदर से टू डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से सेकेंड रो में आपका होते जाएगा। वन चेन के अंदर से टू डबल क्रोशे निकालना है, आप चेन बोलो या लूप बोलो आप जो समझो फ्रेंड, इस तरह से आपको करना है। एक लूप के अंदर से आपको ये याद रखना है कि आपको वन लूप के अंदर से टू डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट होगा। ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे चेन दिख रही है, यहाँ से मैं उसी चेन के अंदर से मैं दो टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। अब ये देखिए इसके बगल में फिर एक चेन है, मैं यहाँ से भी वन और टू डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से ये मैं कंप्लीट करूँगी। यहाँ एक और ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ थ्री मैं काउंट करके इसे ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से ये पूरा ज्वाइंट हो चुका है। अब फोर्थ रो में आपको क्या करना है, यहाँ टोटल आपका 46 हो जाता है। तो अब थ्री रो में आपको क्या करना है, सॉरी मैंने फोर बोला था, यहाँ थ्री होगा ये रो। तो थ्री रो में आपको थ्री चेन निकालना है, थ्री चेन निकाल के वहाँ से आपको एक और बगल से आपको वन डबल क्रोशे निकालना है और टू चेन का गैप करना है, वन टू। फिर देखिए मैं बीच में यहाँ पे एक चेन स्किप कर रही हूँ और दूसरे वाले चेन से मैं एक डबल क्रोशे, उसके बगल वाले से वन डबल क्रोशे, इस तरह से मैं टू डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर टू चेन का गैप कर रही हूँ। इस तरह से ये रो पूरा कंप्लीट होगा। ये देखिए बगल वाली से मैं फिर निकाल रही डबल क्रोशे, इस तरह से पूरा रो कंप्लीट होगा। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट होने के बाद आपको यहाँ पे थ्री चेन लेना है। थ्री चेन लेने के बाद मैं इसके बगल वाले लूप से वन डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए सामने से मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ मैं थ्री चेन मैंने बनाया, ठीक है। थ्री चेन बनाने के बाद इस ये देखिए यहाँ से तो मैंने एक निकाला ही है, अब इसके बगल वाले लूप से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी। जहाँ से मैं निकाली थी एक और, एक और वहाँ से निकालूंगी। इस तरह से ये थ्री हो जाता है। फिर टू चेन का गैप करना है। फिर देखिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से ये जो चेन या लूप अब जो समझो या बोलते हो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, और इसके बगल वाले लूप से मैं टू टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। फिर यहाँ पे टू चेन का गैप करना है और फिर से वही प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है, वन डबल क्रोशे और ये लूप के अंदर से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी, वन और टू, और टू चेन का गैप। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। ये देखिए फ्रेंड मैंने पूरा कंप्लीट करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ये आपका फोर्थ रो था। और फोर के बाद आपको फाइव रो में भी यही करना है। तो एक मैं करके आपको दिखाती हूँ फाइव रो में। यहाँ पे देखिए एक से मैंने एक निकाला चेन बनाते हुए, दूसरा लूप से मैं वन डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और तीसरे से मैं सबसे लास्ट वाले लूप से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी। ये हमेशा याद रखिए कि सबसे लास्ट वाला से आपको टू डबल क्रोशे हमेशा निकालना है। और इसके बाद टू चेन का गैप करना है। इस तरह से टू चेन का मैं गैप करूंगी, वन टू, और यहाँ से मैं एक डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, इसके बगल वाले लूप से भी वन डबल क्रोशे, और इसके जो सबसे लास्ट वाला लूप है वहाँ से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी। ये टोटल आपका फोर हो जाता है। यहाँ क्वांटिटी आपकी बढ़ती जा रही है इस तरह से। फिर टू चेन बनाना है आपको। फिर मैं यहाँ से निकाली एक डबल क्रोशे, फिर इसके बगल से वन डबल क्रोशे, फिर इसके सबसे लास्ट वाले से मैं टू डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ टू चेन का गैप। इसी तरह से ये फ्रेंड ये पूरा टोटल कंप्लीट होगा। और आपको ये फाइव रो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ सिक्स सेवन एट नाइन ये आपके टोटल फोर रो इसी तरह से कंप्लीट करना है और इसकी क्वांटिटी ऐसे बढ़ती जाएगी।
ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, 9 रो तक इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, 10 रो में मुझे यहाँ 3 चेन लेना है सबसे फर्स्ट में, और इसके बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, और उसके बगल सारे लूप से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 5 टाइम, ठीक है। चेन को मिला के वो 5 टाइम हो जाता है। यहाँ मैंने देखिए 1 2 3 4 5 5 करने के बाद यहाँ 2 चेन का गैप करना है, और यहाँ पे आपको कोई भी चेन को स्किप नहीं करना है, आपके बगल वाले लूप से ही 1 1 डबल क्रोशे 5 टाइम फिर से निकालना है इस तरह से। ये टोटल आपका 10 हो जाता है। बीच में देखिए 2 चेन का मैंने गैप किया है, फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप करना है, जैसे मैंने पहले ही मैं कर रही थी जैसे सारे रो में उस टाइप का इसे करते हुए जाना है। फिर मैं 5 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 1 1 लूप से 1 1 डबल क्रोशे बनते जाएगी 5 टाइम। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको इस तरह से। ये देखिए मैंने 5 तक बना लिया है, फिर यहाँ 2 चेन का गैप किया मैंने, फिर मैं 1 2 3 4 5 इस तरह से फ्रेंड आपको 5 बार डबल क्रोशे 1 1 लूप से निकालना है, और 2 चेन का गैप करना है। फिर से मैं यहाँ से निकालूँगी 1 डबल क्रोशे 2 3 4 5। ये देखिए फ्रेंड मैं हर लूप से एक एक निकाल रही हूँ, ठीक है, और 2 चेन का गैप कर रही हूँ, उसके बगल वाले लूप से फिर मैं निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ नीचे में एक भी लूप स्किप नहीं किया है चेन को, इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा ये। ये देखिए मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत बड़ी बन रही है, तो थोड़ा शॉर्ट में ही कर रही हूँ, लेकिन तभी बहुत बड़ी बन रही है फ्रेंड, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 चेन पहले ही बना लिया है, इस तरह से मैं फिर से 1 1 लूप से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी दोनों मेरा पापा। इस तरह से बीच बीच में मेरे बच्चे लोग आवाज़ कर दे रहे हैं, ये उन लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं किसी को कुछ बता रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड ये हाउस वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि टाइम निकाल के वो लोग बनाते हैं, बच्चे लोग डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में। ये देखिए यहाँ पे 3 चेन है, 1 2 3 सबसे ऊपर वाले चेन में से ज्वाइंट करना है इस तरह से। ये मैंने ज्वाइंट कर लिया है, अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या करना है। तो ये आपका 11 रो चल रहा है, 11 रो में आपको 6 चेन बनाना है, ठीक है। 6 चेन बनाने के बाद यहाँ जो मैंने 2 चेन का गैप करके बनाया था वो लूप तैयार हो गया है, इस लूप में इसे ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं इधर वाले लूप में ज्वाइन करूँगी इसे, फिर 6 चेन बनाऊँगी मैं, इसी तरह से ये रो पूरा कंप्लीट होगा। ये सारे लूप में मैं ऐसे ज्वाइन करते हुए जाऊँगी, ये पूरा कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ फ्रेंड यहाँ तक। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, मैं एक आपको एक दो बना के आपको दिखाती हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आए कि मैंने कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं बताया है, जैसे मैं बना रही हूँ मैं आपको वैसा ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने 6 चेन लिया फिर से यहाँ पे, 6 चेन लेने के बाद अब यहाँ पे आपको इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद सबसे लास्ट वाला में अब यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊँगी इस तरह से। ये आपका 12 रो चलने लगा है, ठीक है। 12 रो में आपको यहाँ से 6 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। एक आपका चेन हो गया, चेन को मिला के आपका 5 डबल क्रोशे यहाँ से निकालना है, टोटल 6 हो जाता है इस तरह से। ये मैंने 6 कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए चेन को आपको यहाँ पे 1 चेन मैंने लिया, अब ये दोनों के बीच से मैं फिर से 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। चेन को आपको पीछे की ओर कर देनी है, चेन में कुछ भी नहीं करना है इस तरह से। यहाँ से आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है। अब मैं फिर से यहाँ पे 1 चेन का गैप करूँगी, चेन को चेन में आपको नहीं बनाना है फ्रेंड। ये जो लूप मैंने जिस जहाँ पे ज्वाइन किया था इसी लूप के अंदर से मैं 6 टाइम ये फ्लावर बनाऊँगी, 6 टाइम डबल क्रोशे निकालते हुए एक फ्लावर बनाऊँगी। सॉरी मैंने मिस्टेक से बोला इस तरह से।
इस तरह से आपको 6 टाइम डबल क्रोशे निकालना है यहाँ से। एक पंखुड़ी जैसी ये तैयार होती जा रही है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है। मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये थोड़ी सी बहुत ही बड़ी मैंने थालपोस या ये मैंने डाल ढकने के लिए बनाया था फ्रेंड, तो इसलिए तो बहुत थोड़ी सी बड़ी है ये साइज, तो इसके हिसाब से ये बहुत बड़ी बन रही है। तो मैंने सोचा स्किप करने से अच्छा कि मैं आपको सारा बताती जाऊं, क्योंकि आप बीच से अगर मैंने पूरा स्किप कर दूंगी तो फिर आप समझ नहीं पाओगे। तो इस तरह से देखिए मैं 2 चेन फिर से ले रही, 1 चेन मैंने लिया यहाँ पे, और फिर से मैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशे निकालूंगी। 1, 3, 4, 5 एंड 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशे निकालने के बाद 1 चेन, सॉरी यहाँ पे 2 चेन मैंने लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा गैप है, तो इसे ज्वाइंट करने के लिए आपको 2 चेन का गैप लेना होगा इस तरह से। वो आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड, अगर आपकी ये सिकुड़ रही है तो आप 1 चेन 2 चेन लो, अगर ये आपकी ठीक बन रही है तो आपको 1 चेन लेना है। ये आपकी बिनावट पे ही डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं मुझे ज्वाइंट करना था तो ये थोड़ी दूरी अधिक दिख रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चेन और एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, अब इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे वाइट ऊन ले रही हूँ। ठीक है, वाइट ऊन से मैं यहाँ पे 13 रो कंप्लीट करके बताऊँगी कि 13 रो में क्या करना है। और ये देखिए मैंने जो यहाँ पे चेन बनाया था पीछे की ओर, तो आपको आगे तरफ से नहीं निकाल के पीछे की ओर से निकालना है और इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद मैं जैसे 3 चेन बनाती हूँ उस तरह से आपको 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पे आपको 3 डबल क्रोशे निकालना है। देखिए 2 मैंने निकाल लिया है और ये 4 हो गया, 3 हो गया टोटल, ये टोटल 4 हो जाता है चेन को मिला के। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 चेन का गैप की, 2 चेन का गैप करने के बाद यहाँ से मैं 4 डबल क्रोशे निकालेंगी। 1, 2, 3, 4 ठीक है, इस तरह से ये टोटल 8 आपका डबल क्रोशे हो जाता है, बीच में 2 चेन का गैप है। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन लूँगी, ये देखिए ये दोनों के बीच से मैं निकालूँगी, यहाँ 3 है आप 6 है तो 6 के बीचों बीच मैं इस तरह से इसे निकालूँगी। इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने निकाला, फिर यहाँ पे मैं 1 चेन डालूँगी इस तरह से, आपको 8 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में 2 चेन का गैप करना है। आप चेन ले भी सकते हो फ्रेंड, नहीं भी ले सकते हो, अगर आपकी ये सख्त यानी टाइट बनेगी तो आप यहाँ पे 1-1 चेन बीच में ये इस जगह पे आपको लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, तो आप भी आपको जैसी बनावट होगी आप उसके हिसाब से ले सकते हो। इस तरह से मैं देखिए यहाँ से फिर बीच से मैं ऐसे निकाल रही हूँ, फिर इस चेन के अंदर से मैं 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का गैप रहेगा। इस तरह से पूरा रो कंप्लीट होते जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, मेरी थोड़ी सी ये बिनावट थोड़ी टाइट होने लगी थी, तो मैं ये भी दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक चेन मैंने लिया है और देखिए मैं इसे किस तरह से पीछे की ओर से ऐसे घुसाते हुए मैंने बाहर निकाला, और फिर यहाँ से मैं फिर 1 चेन मैं लेते हुए फिर मैं यहाँ से 8 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में आपको 4 आने के बाद 2 चेन का गैप करना है, फिर से यहाँ पे 4 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से टोटल ये आपका 8 डबल क्रोशे बन जाता है। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर मैंने नहीं बढ़ाया था, यहाँ पर मैं बढ़ा रही हूँ क्योंकि ये मैं मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कटोरे जैसे बनने लगेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 चेन का गैप कर दिया है। मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ इस तरह से, फिर मैं 1 चेन लूँगी यहाँ पे और इस चेन के अंदर से मैं फिर से सेम प्रोसेस वो चलते रहेगा और ये रो इस तरह से कंप्लीट होगा। इस तरह से फ्रेंड मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैं दिखाने के लिए आपको छोड़ दी हूँ।
नहीं तो आपको लगेगा कि मैं आपको ज्वाइंट करना नहीं बता रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे ज्वाइंट करती हूँ वो भी मैं बताऊँगी। ये देखिए इसको नीचे की ओर से ऐसे फंसाते हुए इस तरह से निकालना है पीछे की ओर, और फिर से यहाँ पे इस चेन के अंदर से आपको 8 टाइम डबल क्रोशे निकालना है, बीच में बीचों बीच 2 चेन का गैप करना है, 4 बनाने के बाद 2 चेन का गैप कर देना है आपको। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अगर आपको थोड़ी भी समझ नहीं आती फ्रेंड, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताओ, मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं और डिटेल से समझाऊंगी आपको। लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं ये वीडियो बहुत लेट से पोस्ट की हूँ, इसके लिए बहुत दिल से मैं माफ़ी मांग रही हूँ आप सभी से। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए देखिए चेन के अंदर से निकालते हुए मैं लूप तक पहुँच गई, ठीक है। ये लूप तक पहुँचने के बाद आपको 3 चेन बनाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 डबल क्रोशे बनाना है। 3 बनाने के बाद 2 चेन का गैप, फिर आपको यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये टोटल आपका 6 डबल क्रोशे हो जाता है। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए यहाँ पे मैंने 8 बनाया था, यहाँ पे मैंने 6 बनाया है। ये काउंट करके मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 1 चेन मैंने लिया। अब इसके बीच में क्या करना है, आपको पीछे की ओर से नहीं निकालना है इस तरह से, नहीं आपको आगे की ओर से इस तरह से फंसाते हुए इस तरह से निकालना है आपको। और इसके बाद 1 चेन लेना है, फिर आपको इस लूप के अंदर से फिर से 6 डबल क्रोशे बनाना है, और 3 चेन के बीच में 2 चेन का गैप करना है। 3 डबल क्रोशे के बीच में 2 चेन का गैप करना है। इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। ये देखिए मैं फिर से यहाँ पे 1 चेन ली हूँ, और ऊपर की ओर से मैं फंसाते हुए इस तरह से डबल क्रोशे निकालूँगी, और यहाँ पे 1 चेन का गैप करूँगी। इस तरह से इसे कंप्लीट करते हुए जाना है। इस तरह से फ्रेंड ये 14 रो आपका कंप्लीट होगा। 14 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट करते हुए मैं आपको दिखाने के लिए रख दी हूँ मैंने 2। अब कैसे इसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको, और इसे ज्वाइंट करके भी बताऊँगी। इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। सेम वही प्रोसेस चलेगा फ्रेंड जो मैंने पहले बताया था आपको। ये 14 रो ही चल रहा है आपका। ये 1 चेन में लेते हुए यहाँ पे चेन जो बनाया था सबसे ऊपर वाले चेन में आपको इसे ज्वाइंट करना है, और सेम वही प्रोसेस करना है आपको। स्लिप स्टिच लेनी है आपको सारे लूप के अंदर से। इस तरह से आपको स्लिप स्टिच लेते हुए लूप के अंदर तक जाना है आपको, और यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊँगी। और सेम वही प्रोसेस आपकी 15 में, सेम वही जो मैंने 14 में किया था 15 रो में वही करना है। 16, 17, 18, 19 और 20 ये सारे रो में सेम आपको वही प्रोसेस करना है। यहाँ आपकी कोई भी कहीं कुछ नहीं बढ़ेगा। जैसे मैंने बनाया था 1 चेन लेते हुए इस तरह से आपको इस लूप के अंदर से 6 टाइम निकालना है डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का गैप, फिर से मैं 2 चेन गैप करने के बाद फिर से मैं इस तरह से निकालूंगी, फिर मैं यहाँ पे डबल क्रोशे निकालूंगी 1 चेन लेते हुए, और फिर उसके बाद मैं लूँगी। इस तरह से आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 रो कंप्लीट होगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके इसे दिखाऊंगी कि कैसे इसे करना है। ये मैंने आपको 2 दिखा चुकी हूँ, और इस तरह से ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मैंने करके आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये दिखेगा।
सिक्स रो आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही थी। तो ये देखिए मैंने सिक्स रो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से मैं काउंट करके बताती हूँ, ये देखिए 1 2, इसे आप छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे बनाई थी फर्स्ट में, 1 2 3 4 5 6। ये 6 रो कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसे ज्वाइंट करूँगी। फिर मैं यहाँ पे 1 चेन का गैप करूँगी और यहाँ 3 वाले में, सबसे लास्ट वाले में मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। अब इसके बाद क्या करना है, जो सबसे पहले वाला रो में मैंने बनाया था सेम वैसे ही प्रोसेस इसमें चलना है 3 रो तक। यहाँ देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं निकाल रही हूँ और इस लूप के अंदर से मैं 3 चेन बनाऊँगी इस तरह से। अब यहाँ पे आपको 8 डबल क्रोशे बनाना है, जैसे मैंने फर्स्ट रो में बनाया था वाइट वाले के रो के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। तो इस तरह से आपको 8 डबल क्रोशे बनाना है, यानी 4 बनाने के बाद 2 चेन का गैप करना है, फिर से 4 डबल क्रोशे निकालना है यहाँ से इस तरह से। देखिए मैं 4 डबल क्रोशे निकालूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपको घेरा को बढ़ाना है, ठीक है। ये जैसे बनते जाएगी तो थोड़ा सा क्या होता है, ये थोड़ी सी सिकुड़ने लगती है, ठीक है। तो इसको फैलाव करने के लिए यहाँ पे मैं इस तरह से इसे बढ़ाऊँगी। तो यहाँ देखिए 8 हो चुका है, यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ टोटल ये आपका 8 है और बीच में 4 के बीच में मैं 2 चेन का गैप कर रही हूँ इस तरह से। लेकिन सेम फ्रेंड उसी टाइप का बनेगा जैसे मैं 14 बनाई हूँ, उसी तरह से ये बनेगा। ये सबसे फर्स्ट में मैंने बनाया था उसी तरह से ये आपका 3 रो कंप्लीट करना है। ये 21 रो चल रहा है आपका, 21 में आपको इस तरह से करना है। फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा भी लाइक करके मेरी हौसला को बढ़ाएं तो मेरी भी हिम्मत थोड़ी बढ़ेगी। अगर नहीं पसंद आते तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो फ्रेंड, इसकी कोई भी नहीं, क्योंकि किसी को वीडियो पसंद आती है किसी को नहीं पसंद आती है, ये भी है। तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो लाइक भी कर सकते हो, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लग रही है मेरी वीडियो। तो इस तरह से फ्रेंड ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है और मैं 2 रो इसी तरह से कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, मैंने सोचा कि चलो मैं आपको दिखा ही देती हूँ, उसके बाद मैं आपको 2 रो कंप्लीट करके बताऊँगी। तो इस तरह से मैं इसे ज्वाइंट करूँगी और ये देखिए मैंने कहीं भी किस तरह से नहीं कि जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से वो बनते जाएगी। ये देखिए मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर रही हूँ सबसे लास्ट वाले चेन में, मैं हमेशा ज्वाइंट करती हूँ और इस तरह से ये 2 और मैं बनाऊँगी यहाँ पे। देखिए 1 यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट में बनाया था और इसके बाद ये टोटल बना है आपका 5। अब इसके बाद मैं यहाँ पर देखिए 2 और बनाऊँगी जहाँ पर मैंने 8 डबल क्रोशे बनाया है इस तरह से, यहाँ पर ये थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये 2 डबल क्रोशे में बना के आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए मैंने पूरा फाइनल कर लिया है, ये आपका टोटल ये रो भी 22 और 23 रो कंप्लीट हो चुका है इस तरह से ये दिखेगा फ्रेंड। ये देखिए तो ये कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अब मैं क्या करूंगी इसे मैं दिखाती हूं आपको। 24 रो में आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने नीडल्स को इस तरह से लगा लिया है और आपको 1 2 3 चेन बनाना है और सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ये देखिए मैं सारे चेन के अंदर से निकाल रही हूँ, चेन बोलो या लूप समझो जो भी फ्रेंड। और ये बीच में जो मैंने बनाया था यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस लूप के अंदर से, फिर मैं देखिए 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे, या इस तरह से मैं सारे 1 1 चेन के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए मैं यहाँ से निकाल रही हूँ फिर, और यहाँ जो मैंने गैप किया था 1 चेन का यहाँ से मैं 1 निकालूंगी, फिर इसके बीच में मैं फंसाते हुए निकालूंगी 1 चेन के अंदर से, फिर मैं यहाँ से निकालूंगी 1, इस तरह से ये टोटल कंप्लीट होते जाएगा। ये देखिए सारे चेन के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जा रही हूँ।
इस तरह से मैं निकालूंगी और ये लूप के अंदर से मैं 2 टाइम डबल क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और चेन के अंदर से भी। फिर मैं यहाँ देखिए इस चेन के अंदर से निकाल रही हूँ, इस लूप के अंदर से, फिर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ, फिर ये चेन के अंदर से मैं निकाल रही हूँ। इस तरह से आपको टोटल कंप्लीट करना है। इस तरह से ये 24 रो भी आपका इसी तरह से कंप्लीट होगा। 24 रो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो फ्रेंड इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा। ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे कंप्लीट करना है। यहाँ तक मैं करते हुए आती हूँ, आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। ये देखिए मैं यहाँ से निकाल रही हूँ और सारे लूप के अंदर से मैं 1-1 डबल क्रोशिया निकालूंगी इस तरह से। आपको यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशिया निकालना है, फिर इस लूप के अंदर से मैं निकालूंगी। अब ये देखिए मैं 25 में ग्रीन ऊन का यूज करूँगी और इसे मैं कैसे करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड। तो ये मैं सबसे पहले नोट लगा लूँगी इस तरह से। ये देखिए मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, इसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांग रही हूँ आप सभी से। बीच बीच में वो डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। तो ये देखिए फ्रेंड, आप कहीं से भी इसे पकड़ सकते हो और यहाँ से इसे ज्वाइंट करना है आपको। इस तरह से चेन के अंदर से इसे ज्वाइंट कर लेना है और यहाँ पे 3 चेन बनाना है। सॉरी, मैंने 4 चेन बनाया है क्योंकि यहाँ पे 1 चेन का गैप करना है। और ये बगल वाले चेन से मैं 1 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ और 1 चेन मैंने बनाया फिर से। फिर मैं 1 डबल क्रोशिया निकालते हुए 1 चेन बना रही हूँ मैं। इस तरह से आपको सारे चेन के अंदर से 1-1 डबल क्रोशिया निकालना है और बीच में 1 चेन का गैप करना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपको बनाना है। सारे चेन के अंदर से मैं 1-1 डबल क्रोशिया निकालूंगी। ये टोटल मैं करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है इसे जॉइंट। तो 1 चेन मैंने लिया, फिर लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशिया निकाली, फिर 1 चेन मैंने लिया, फिर इस लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशिया निकाल रही हूँ। फ्रेंड सभी लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत लोग इसे लूप भी बोलते हैं, बहुत लोग इसे चेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं ऊपर एक चेन ले रही हूँ और इसे मैं लूप बोलती हूँ, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं इसे चेन के अंदर से मैं निकाल रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये भी बता दे रही हूँ मैं आपको। तो इस तरह से इसे आपको ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं कट लगा दूँगी इसे। ये देखिए पूरा फाइनल ये हो चुका है। अब ये हो जाने के बाद मैं अब यहाँ पे 26 रो में मैं सफ़ेद ऊन का यूज करूँगी। तो ये देखिए मैं सफ़ेद ऊन यहाँ पे ले ली हूँ। इस तरह से इसे नोट लगाना है। नोट लगाने के बाद आपको कोई भी एक छोर पकड़ लेना है और ये जो मैंने 1 चेन का जो गैप किया था वहीं से इसे ज्वाइंट करना है और 3 चेन बनाना है। ये देखिए मैंने 3 चेन बनाया। अब यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशिया और निकालूंगी, फिर 1 चेन का गैप, फिर इस बगल वाले लूप से मैं 2 टाइम डबल क्रोशिया निकालूंगी, 1-2, और इसके बाद मैं 1 चेन का गैप करूँगी, फिर मैं 1-2 डबल क्रोशिया निकालूंगी और 1 चेन का गैप, फिर इसके बगल से भी मैं 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 1 चेन का गैप, सारे लूप से मैं 2-2 टाइम डबल क्रोशिया निकालूंगी और 1 चेन का गैप करूंगी। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करूंगी इस रो को।
ये देखिए फ्रेंड मैं किस तरह से कर रही हूँ, इस तरह से मैं ये पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ कि मैंने क्या कहाँ कहाँ बढ़ाया है। इस तरह से मैं यहाँ पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा सा मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, तो आप ध्यान से भी देखोगे। आप अगर स्किप कर करके देखोगे फ्रेंड तो नहीं समझ पाओगे, आपको पूरी वीडियो को देखनी होगी तभी आप समझ पाओगे कि मैं कैसे बना रही वीडियो ये थाल पोस को बना रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वन चेन मैंने लिया, फिर मैं यहाँ से 2 टाइम डबल क्रोशे निकालूँगी, फिर 1 चेन का गैप करूँगी, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। इस तरह से ये रो पूरा कंप्लीट होता है। ये देखिए फिर 1 चेन मैंने बनाया और ये जो 3 चेन मैंने बनाया था सबसे ऊपर वाले चेन से मैं इसे ज्वाइंट कर दूंगी। ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे नारंगी ऊन या ऑरेंज ऊन का यूज कर रही हूँ, तो पहले मैंने नोट लगाई है। अब नोट लगाने के बाद यहाँ जो 1 चेन का मैंने गैप किया था उसी लूप के अंदर से मैं यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोशे चेन बनाऊँगी और यहाँ पे आपको 11 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। टोटल मिला के ये 12 डबल क्रोशे होगा। ये थोड़ी सी 3 प्लाई की ऊन है फ्रेंड, इसलिए मैं यहाँ पे 12 टाइम डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, अगर आपकी मोटी ऊन रहेगी 4 प्लाई की रहेगी तो आप यहाँ पे आप 10 या 8 डबल क्रोशे भी आपका हो सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कैसी ये कली तैयार होकर दिख रही है। तो यहाँ पर मैंने देखिए टोटल 12 डबल क्रोशे निकाला है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको इस तरह से ज्वाइंट कर देता है, ज्वाइंट करना है बगल वाले लूप में और उसके बाद वाले लूप में आपको फिर से 13 टाइम डबल क्रोशे निकालना है 12 बार फ्रेंड मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पे आपको 12 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से मैं 12 टाइम जो समझे समझ पा रहे हो आप उसके हिसाब से आप समझो फ्रेंड, मैं हिंदी और थोड़ी सी इंग्लिश में भी बता रही हूँ आपको। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए मैं काउंट करके भी बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने 12 डबल क्रोशे बनाया है। इस तरह से ये हो गया। अब देखिए मैं इसके बगल वाले लूप में इस तरह से इसे ज्वाइंट करूँगी और उसके बाद वाले लूप से मैं फिर से 12 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सॉरी यहाँ पे 12 हो गया था, मैं स्किप कर दिया। अब इसे ज्वाइन करने के बाद आपको इस तरह से 12 यहाँ से निकालना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये दिखेगी टोटल रो, मैं कंप्लीट करके बताती हूँ आपको। इस तरह से मैं देखिए टोटल रो को कंप्लीट करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। आप यहाँ पे फ्लावर जैसे दिख रही है उसके हिसाब से आप क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो। ये पतली ऊन है तो मैं किसी में 12 किसी में 11, ये बनाने पे डिपेंड कर रहा है कि कितना मैं ले रही हूँ। इस तरह से आपको कर भी लेना है, बनाने बनाते मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी। तो ये देखिए मैंने 12 टाइम यहाँ से निकाला, फिर इसे ज्वाइंट कर दिया, फिर मैं यहाँ से 12 टाइम निकालूँगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से मैंने टोटल 12 बना के अब इसे ज्वाइन करूँगी। ठीक है, अब कैसे ज्वाइंट करना है फ्रेंड देखिए, मैंने इसे और इसको फंसाते हुए इस तरह से इसे ज्वाइंट कर दिया, तो ये दोनों ज्वाइंट हो चुका है। ये मैं फिर से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने फंदा से अंदर से निकाला, फिर इसे फंसाया और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर लिया। तो इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है आपको।
ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे रेड ऊन का यूज करूँगी। तो रेड में आपको क्या करना है, ये टोटल आपका 27 रो हो जाता है, 28 रो में आपको रेड ऊन का यूज करना है, लाल ऊन का। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से नोट लगा लेना है आपको, और नोट लगाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से इसे ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद मैं सारे चेन के अंदर से सिंगल डबल क्रोशे निकालूंगी, सिंगल क्रोशे निकालूंगी फ्रेंड, डबल क्रोशे नहीं है, ये सिंगल क्रोशे निकल रहा है आपका। या स्लिप स्टिच भी बोल सकते हो उसे, इस तरह से इसे आप सिंगल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ये देखिए मैं दो इस तरह से निकालूंगी क्योंकि यहाँ पे आपको ज्वाइंट भी करना है। तो ये देखिए मैं दो पंखुड़ी को इस तरह से कंप्लीट कर रही हूँ, और इसे कंप्लीट करने के बाद आपको इस तरह से टेबल में इस तरह से रख लेना है, और इसे इस तरह से आपको देखना है कि इसे ज्वाइंट करना है कहाँ, ठीक है। इस तरह से इसे रख रख के आपको ज्वाइंट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर निकाला था, इस तरह से धागे को थोड़ा खींच लेना है आपको उनको, और ये देखिए इस तरह से मैं फ्लावर बनाऊंगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी इस जगह पे, क्योंकि इसकी सिलाई में ये आ रही है। तो ये देखिए 1, 2, 3 वाले में मैं इस तरह से फंसाते हुए इसे ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया, और यहाँ पे 1 चेन ले लिया है, और इस तरह से इसे फिर से मैं सिंगल क्रोशे करते जाऊँगी। सारे लूप के अंदर से आपको सिंगल सिंगल डबल क्रोशे करते जाना है, 1 क्रोशे, और इस तरह से इसे थोड़ा लंबा खींचते हुए ज्वाइंट करना है। ये देखिए ये मैंने कर लिया, अब एक और मैं पंखुड़ी तैयार करूँगी, और मैं यहाँ से भी 1 क्रोशे करते जाऊँगी सारे लूप के अंदर से। मैं देखिए कैसे निकाल रही हूँ, इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। और इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए मैं कैसे धागे को थोड़े से लंबे खींचते हुए ये बगल से निकाली मैंने। अब देखिए इसे क्या करना है, आपको थोड़ा लंबा धागा खींच के छोड़ देना है, और ये दोनों के बीच में मैं इस तरह से घुसाऊंगी और इसे ज्वाइंट कर दूंगी इस तरह से। ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, तो यहाँ पर जो मैंने वाइट रंग का बनाया हुआ था वहाँ से मैं फंसाते हुए, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सामने से, ये देखिए मैंने यहाँ पे फंसाया, और यहाँ से इसे पीछे की ओर से मैं रेड ऊन को निकालते हुए ज्वाइंट किया इस तरह से। ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे निकालते जा रही हूँ फिर से उसके बगल तरफ से, बगल वाली पंखुड़ी की तरफ से। इस तरह से मैं 5 टाइम ये 5 जो पंखुड़ी है टोटल कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये 5 पूरा कम्प्लीट करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मैंने यहाँ तक कर लिया है, और ये दिखाने के लिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया है आपको। इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है, ये देखिए लूप के अंदर से मैं कर रही हूँ और इसे ज्वाइंट कर रही हूँ मैं इस तरह से। अब इसे क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए मैंने धागे को थोड़ा लंबा खींचना होता है, नहीं तो ये निकल जाएगी। अब इसको आपको इस तरह से नीचे की ओर करके बिछा के इसको देखना है इस तरह से कि कहाँ ज्वाइंट करना है। तो ये देखिए मैं ये दोनों के बीच में ज्वाइंट करूँगी, और इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए ज्वाइंट करने के बाद इसके बाद वाली जो पंखुड़ी है इसे भी आपको इसी तरह से निकालना है। यहाँ पे एक पंखुड़ी आपको कंप्लीट करना है सिंगल डबल क्रोशे स्टिच करते हुए या क्रोशे करते हुए, इस तरह से पूरा मैं एक पंखुड़ी को कंप्लीट करके दिखाऊंगी, और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड ये देखना है कि आपकी ये पंखुड़ी की छोड़ कहाँ पे आती है, ठीक है, जहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आ रही तो मैं यहाँ करूँ यहाँ पे करूँ, ऐसा नहीं है। इसे आपको बिछा के देखना है नीचे रख के कि ये किसकी सिधाई में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे आ रही है मैं, तो यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ये फ्लावर के बीच मैंने ज्वाइंट किया था। आप बोलोगे कि अब आप इसे यहाँ ज्वाइंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है,
आप रख रख के भी आप इसे देख सकते हो कि मेरे कहाँ पे जॉइंट हो रही है, तो आपको उसके हिसाब से जॉइंट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए टू पंखुड़ी को कंप्लीट करूँगी सिंगल क्रोशे करते हुए। इस तरह से सिंगल क्रोशे मैं कर रही हूँ, ये देखिए ये मैंने किया। फिर एक और मैं करूँगी क्योंकि इसे जॉइंट करना है वहाँ पे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। कंप्लीट करने के बाद इसको जॉइंट करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से इसे जॉइंट करना है। ये दोनों के बीच से मैं इसे जॉइंट करूंगी। अब देखिए ये दोनों के बीच में मैं यहाँ वाइट वाले जो ऊन है यहाँ से मैं फंसा के इस तरह से इसे जॉइंट करूँगी। फिर डबल क्रोशे निकालना है यहाँ से, और ये पांच पंखुड़ी आपको इस तरह से कंप्लीट करना है। तो ये मैं पांच कंप्लीट करके दिखाऊंगी। इस तरह से ये देखिए फ्लावर बनते जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है फ्रेंड। इस तरह से देखिए ये फ्लावर इस तरह से कंप्लीट होगी। तो मैं यहाँ तक आपको करके दिखाती हूँ। और ये देखिए इसके बाद वाले को मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। इस पर डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ ये ज्वाइंट हो रहा है। तो मैं ये पाँचों कम्प्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं टू और करके दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पाइप कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसे जॉइंट करूँगी यहाँ पे लाके। तो इस तरह से मैं इसे पकड़ूँगी और इसे इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। जॉइंट करने के बाद ये देखिए अब मैं यहाँ से सिंगल क्रोशे करते जाऊँगी। ये वन पंखुड़ी आपको बनाना है और उसके बीच में फिर आपको जॉइंट करना है। ठीक है फ्रेंड, ये ध्यान दीजिएगा कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कर रही हूँ। आप देख के भी समझ सकोगे कि मैं कैसे इसे जॉइंट कर रही हूँ। मैं यहाँ तक करके फिर मैं यहाँ पे जॉइंट करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर लिया है। अब मैं इसे देखना है कि मुझे देखना है कि मैं यहाँ यहाँ देखिए बहुत लोग यहाँ जॉइंट कर देंगे इसको देख के, तो ऐसा नहीं करना है। आपको रख के देखना है कि किसकी सिलाई में ये आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे जॉइंट करना है। इसकी सिलाई में है तो मैं यहाँ पर जॉइंट करूँगी इसे। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है फ्रेंड। इसी तरह से ये पूरा रो आपका कंप्लीट होगा और ये मैं दिखाऊंगी भी आपको। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरी चैनल की वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड। आपका एक लाइक देने से कुछ नहीं जाता है, मुझे एक हौसला बढ़ता है मेरे, तो इसलिए आप अगर लाइक करोगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी और मुझे लगेगा कि मैं बहुत अच्छा से समझा पा रही हूँ आप सभी को। तो इस तरह से आपको हौसला मेरा बढ़ाना है फ्रेंड। तो ये देखिए मैं इस तरह से कंप्लीट करते जा रही हूँ। इसे जॉइंट कर देना है इस तरह से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 बनाया था, यहाँ मैंने 5 बनाया है। तो ये मैं भी बता देती हूँ आपको कि किस तरह से आप कभी 5 भी कर सकते हो, कभी 6 भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बड़ी फ्लावर पसंद है कि छोटी फ्लावर। ठीक है, इस तरह से इसे ज्वाइंट करके मैं एक बार फिर से आपको दिखाती हूँ। इस तरह से आपको क्रोशे को पकड़ना है, नीडल्स को, और वाइट वाले में फंसाते हुए से ज्वाइंट करना है। ठीक है,
इस तरह से ये फ्लावर तैयार होती जाएगी। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। अगर आपको फाइव में करना है तो फाइव में आप करो, सिक्स में करना है तो आपको सिक्स में करना है। इस तरह से ये पूरा फ्रंट देखिए पूरा मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट, मेरे बच्चे आज बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे, बीच बीच में वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा फ्रेंड। ये देखिए अब मैं इसे यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए मैं कहाँ कहाँ ज्वाइंट करूँ, मैं आपको पूरा अच्छा से दिखाना चाहती हूँ कि ऐसा ना हो कि आप बोलो कि मैं यहाँ तक कर ली और यहाँ आपने मुझे नहीं बताया। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से ज्वाइंट किया, अब मैं यहाँ बना के इसे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। देखिए तो ये देखिए फ्रेंड ये भी मैं करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह से आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है और ये पंखुड़ी को पूरा कंप्लीट करना है आपको। ये पूरा फाइनल हो चुका है। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी इस तरह से। तो यहाँ पे आपके फोर फ्लावर तैयार हो गई, ये देखिए इधर की। और इस तरह से मैं फंसाते हुए इस तरह से निकालूंगी और यहाँ पे फिर से पंखुड़ी को कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से दिखेगा ये कुछ, और ये बहुत ही खूबसूरत सा देखिए उभर के आ रही है। कलर की कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छी है। यहाँ मैंने ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन दिया है, बीच में ग्रीन मैंने दिया है, तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है ये। तो वीडियो में कैसी दिख रही है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे तो बहुत ही खूबसूरत लाजवाब दिख रही है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो मैंने ये फ्लावर बनाया था कि देखिए यहाँ सामने से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मैंने जो फ्लावर बनाया था तो ये मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर के उनसे इसे कंप्लीट करूँगी कैसे बनाना है। तो इस तरह से मैं इसे नोट लगाऊँगी और यहाँ पे ज्वाइंट करना है इसे। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जो मैंने वाइट कलर का जो फुल फ्लावर बनाया था इसके बीच में जो गैप है यहाँ पे देखिए, तो मैं इसे ऊपर की ओर से इसे निकालते हुए, ये देखिए नीचे से मैंने पकड़ा और इसे इस तरह से आपको निकाल लेना है। तो मेरे निकल नहीं रही है, फंस गई है कहीं। इस तरह से इसे ज्वाइंट कर देना है आपको फ्रेंड। ज्वाइंट करने के बाद मैं सारे लूप के अंदर से टू टू टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, डबल क्रोशे नहीं है फ्रेंड सॉरी सिंगल क्रोशे मैं निकालूंगी यहाँ से। ये सिंगल क्रोशे हुआ सारे लूप के अंदर से, मैं देखिए टू टू टाइम डबल सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ, या स्लिप स्टिच भी आप बोल सकते हो इसे। अब इस तरह से मैं फंसाते हुए मैं देखिए यहाँ पे मैंने इस फ्लावर में फंसाया और इसे इस तरह से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद मैं यहाँ फिर से मैं वन लूप के अंदर से टू सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से पूरा कंप्लीट करूँगी मैं आपको। मैं इजी तरह से भी इसे ज्वाइंट करना सिखाऊँगी। ये थोड़ी सी आपको पता नहीं समझ में आ रही है कि नहीं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर भी। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको फंसाना है और यहाँ से इसे दोनों को इस तरह से फंसा के धागे को आप आगे की ओर ऐसे निकाल लें और इसे ज्वाइंट कर दें। तो इस तरह से भी आपको इजी लगेगी। और ये देखिए मैं
सारे लूप के अंदर से वन वन डबल क्रोशे निकालूंगी, टू टू टाइम सिंगल क्रोशे निकालूंगी, सॉरी बार बार डबल क्रोशे मैं बोल रही हूँ लेकिन यहाँ मैं सिंगल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखे।